दोस्तों लाल वाला बटन दबाकर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ठीक उसके बगल में एक नोटिफिकेशन का एक घंटे वाला बेल है उसको दबा दीजिएगा कि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो रहेगा आप लोगों को मिलता रहे। इसके लिए वेलकम फ्रेंड, आज सेलिंग फैन का महत्वपूर्ण जानकारी देंगे हम, और रिवाइंडिंग किस तरह करते हैं इसके बारे में बताएंगे। कितने इंच का पंखा कितना वाट का होता है? 36 इंच का पंखा 61 वाट का होता है, 390 आरपीएम होता है। 42 इंच का पंखा 67 वाट का होता है, 370 आरपीएम होता है। 48 इंच का पंखा 69 वाट होता है, 325 आरपीएम होता है। 56 इंच का पंखा 78 वाट होता है, 288 आरपीएम होता है हाई स्पीड में। 24 इंच का पंखा 65 वाट का होता है और 900 से लेके 1440 आरपीएम होता है। 36 इंच का पंखा 85 वाट का होता है, 620 आरपीएम होता है। फैन के चयन कमरे के हिसाब से 15x15 फीट रहने से या 13x16 फीट रहने से 56 इंच का पंखा लगेगा, 12x12 या 10x13 रहने से 48 इंच का पंखा लगेगा, 9x11 और 10x10 42 इंच का पंखा लगेगा, 8x10 या 8x8 रहने से 36 इंच का पंखा लगेगा। फैन में बबलिंग होना या फिर आवाज़ देना वो क्यों होता है? ब्लेडों को ढीला होने से, सेलिंग फैन की रोड या फैन बॉडी के माध्यम फिटिंग के ढीला होने से, फैन के छत पर ठीक तरह से न लगे होने से, ब्लेडों के कोण में असमानता होने से, ब्लेडों का जो होता है तीन ब्लेड समान नहीं होगा तभी भी आवाज़ करेगा, कैनोपी उस पर जब टच हो जाएगी उस पर भी आवाज़ करेगा, या फिर बैरिंग ख़राब हो जाएगी तभी भी आवाज़ करेगा। ये सब ध्यान देना है, अगर बैरिंग सही नहीं है तो आवाज़ करेगी, अच्छे से टाइट नहीं होगी तो हिलेगी फैन, ये सब ध्यान दे के लगाना है। इसकी कैनोपी जो उसका कैनोपी होती है वो भी अगर ढीला होगा जाकर बॉडी में लगेगी तो आवाज़ करेगा। फैन की अगर सप्लाई देंगे तो लाल वाली वायर जो होती है दो रनिंग वाली उसी में सप्लाई देंगे, और ब्लैक और ब्लू हो स्टार्टिंग वाली उसमें सप्लाई नहीं देते, उसे कंडेंसर के थ्रू उसको कंडेंसर का सप्लाई देते हैं। अगर उल्टा भी हो तो उसमें लाल वाला में ही सप्लाई देंगे तो स्पीड चलेगी, अगर उल्टा करना हो तो गड़बड़ हो जाएगी। कभी भी उल्टा करना है तो तार को ही उल्टा करें।